नंदनी आप कब आए? मैं तो कब से आपके पीछे खड़ा हूं पर आपका ध्यान ही नहीं गया। न जाने किन ख्यालों में खोई हुई हैं। जरा हमें भी पता चले कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मेरे बीच में कोई तीसरा आ गया। आप मजाक में भी ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? आपके और हमारे बीच अब सिर्फ मौत आ सकती है। जी नहीं, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरी मौत आपसे मेरा पीछा छुड़ा लेगी। आप ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से कैसे निकाल सकते हैं? सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। मेरा मतलब था कि हम दोनों मरकर भी साथ रहेंगे। देखिए, जिस काम के लिए आया था वो तो करना भूलिए। आइए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? आइए ना। ये अच्छी लगेगी। चलिए अब आप इसे जल्दी से पहन लीजिए। लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं, पहनिए ना। अब तक आपने जो काम मैंने किया ना, अब आप वो करेंगे जो मैं कहूं। बैठिए। सच कहूं तो आप चांद से भी सुंदर लग रही हैं। आज तो चांद भी आपको देखकर शर्मा जाएगा। पर क्या करें, चांद भी अकेला अच्छा नहीं लगता है, अगर उसके साथ सितारे ना हो तो। ये झुमके और ये चूड़ियां पहन लीजिए। कोई सवाल नहीं। आइए। राजा, दुल्हन को लेके कहीं बाहर जा रहे बेटा? हाँ, फातिमा भी वो तो इतना शर्मा क्यों रहा है बेटा? तुम अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हो। जाओ बेटा जाओ, यही दिन तो है तुम्हारे घूमने फिरने के। और सुनो, वहां कोई ऑफिस का काम लेके नहीं बैठ जाना। खूब घुमाना। हाँ, इसलिए मैं और नंदनी भी बाहर जा रहे हैं। नंदनी बहुत दिनों से कह रही थी तो सोचा आज घूम कर आ जाते। अरे कमाल है, घर में सब घूमने जा रहे और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। ये लोग मुझे छोड़कर कैसे जा सकते? मेरे क्या पाँव नहीं है, मेरा क्या मन नहीं है? कुछ भी हो जाए मैं भी इनके साथ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं कबाब में हड्डी बनने की। हाँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुमने कैसे सुन लिया? तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है मुझे सब मालूम है। खुद को बड़ा 30 बार का समझते हैं, बेवकूफ कहीं। हाँ, कहीं भी ना सुन ले। अरे अंबर, हम तुम्हारी भाभी को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं और संजोग से प्रिंस और नंदनी भी बाहर जा रहे हैं। अब बचे तुम और गुंजन, तो तुम गुंजन को घुमाने बाहर काहे नहीं ले जाते? बहल जाएगा। अब हाँ बेटा, तुम क्यों नहीं चली जाती? नहीं भैया, वो इन्होंने कहा था मुझसे बाहर घूमने के लिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने कहा कि किसी और दिन घूमने चलेंगे। ठीक है, तुम आराम करना। अरंबर, तुम गुंजन का ख्याल रखना। जी महाराजा।
अब सारी बातें यही करोगे या जाओगे भी? अरे जाओ ना बेटा और खूब मजे करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों माँ बनने वाली। अब जाओ, जल्दी करो, जाओ घूम के आओ। परेशानी में वक्त किस तरह निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। आज कुछ देर के लिए हम सब कुछ भूलकर सिर्फ एक दूसरे के लिए जीते हैं। आज आपका ये पति आपसे आपको मांगना चाहता है, अपने सारे दुख सारी तकलीफ सब कुछ भूलकर एक शाम उसके नाम कर दीजिए। सबसे जरूरी चीज तो हम लाना ही भूल गए। किसे? जो आपके बहुत करीब है और यहां रहती, आपकी मुस्कुराहट। नंदिनी मेरा प्यार है और तुम दोनों इसके गवाह हो। मैं नंदिनी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी रोम रोम मेरी हर धड़कन में बसी है नंदिनी। वो मेरा वजूद है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल अधूरा हूँ। और भगवान आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने बिना मांगे मुझे नंदिनी जैसी पत्नी दी है। लेकिन आज तुमसे एक बार मांगता हूं कि 700 जन्मों तक नहीं, जब तक चांद सितारे सूरज हैं, मुझे नंदिनी जैसी पत्नी चाहिए। काफी है या कुछ और मांगू? काफी है। सच कहूं, जब आप हंसती हैं तो ऐसा लगता है आसमान से परी उतर कर आ गई। दिल करता बस आपको देखता रहूं और आप हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहे। आई लव यू नंदिनी। आई लव यू टू। और इतनी अच्छी शाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस। बच्चे के लिए एक सरोगेट मदर मिल जाएगी ना? देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर हमें बच्चे के लिए सरोगेट मदर नहीं मिली तो भी हमारे घर की खुशियां कम नहीं होंगी। भगवान ने एक रास्ता दिखा दिया,
अगर हमारे को सर्टिफिकेट मदर मिल जाती है तो बच्चे की डिलीवरी के लिए हमें बाहर जाना होगा, ताकि घर वालों को ये शक ना हो कि वो बच्चा आपका नहीं है, राइट? और अगर सर्टिफिकेट मदर नहीं मिलती है तो भी तो हम बाहर जा सकते हैं और एक बच्चा गोद ले सकते हैं, फिर घर वालों को तो ये लगेगा कि वो आपका बच्चा है। नहीं प्रिंस, हमें आपका अपना बच्चा चाहिए, जिसके लिए हमें सरोगेट मदर ढूंढनी पड़ेगी। अब चाहे जितनी भी परेशानी आए, हमें एक सरोगेट मदर को ढूंढना ही पड़ेगा। हम अपने आने वाले कल के लिए कोई भी सवाल नहीं छोड़ना चाहते। अब आप घर चलिए। नंदिनी, देखिए इस बात को लेकर परेशान मत होइए प्लीज। ये लीजिए आइसक्रीम खाइए। नहीं नहीं, मेरा पेट बहुत भर गया है। अरे ऐसे कैसे भर गया आपका पेट? अरे अब तो आपके साथ एक और जिंदगी जुड़ गई है। अरे अब तो हमारे मुन्ने का पेट आपके साथ जुड़ गया है। और ये आइसक्रीम हम अपने मुन्ने के लिए लाए हैं। हम जानते हैं आइसक्रीम बच्चों को बहुत भाती है, इसलिए आइसक्रीम आपको खानी पड़ी। चलिए खाइए। ठीक है। सुनाई दिया? ऐसे लगा जैसे हमें कोई आवाज दे रहा है। नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं सुना। हमें तो लगा हमें कोई आवाज दे रहा है। शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। आइसक्रीम खाइए आप। अरे फिर से वही आवाज, सुना आपने? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ध्यान से सुनिए, आवाज आ रही है। आप समझ आई आवाज कहां से आ रही है? मैंने कहा ना, हमें पता था ये आवाज किसी और की नहीं, हमारे मुन्ने की है, जो हमसे बात करना चाह रहा है। हाँ बोलो मुन्ना, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ, का? अच्छा, इलो, ये तो अभी से अंग्रेजी बोल रहा है, हमसे कह रहा है थैंक यू। हमारे साथ घूमने में उसे बहुत मजा आया और ये आइसक्रीम तो उसे बहुत अच्छा लगा। हमारा मुन्ना बहुत खुश है। हाँ का? कुछ और कह रहा है, एक मिनट। हाँ का? अच्छा, तुम्हारी अम्मा से पूछे? अच्छा, मुन्ना पूछ रहा है उसकी माँ को कैसे लगा हमारे साथ घूमकर। आप मुन्ने से कह दीजिए कि उसकी माँ उसके बाबा के साथ घूमकर बहुत खुश है और उसकी माँ उसके बाबा का शुक्रिया अदा कर रही है। सुन लिया मुन्ना, तुम्हारी माँ बहुत खुश है। का? का कह रहे हो? हाँ। अरे बहुत बदमाश हो गए हो तुम, अब तुम चुपचाप सो जाओ। आजकल के बच्चे भी ना बहुत बदमाश हो गए। ऐसा क्या कह दिया हमारे बेटे ने? वो कह रहा है कि हम तुमको, मुझको क्या, आई लव यू कह दे, है ना बहुत बदमाश। आपका मुक्ति करने के लिए अच्छा सा गाना सुना।
ज्यादा चोट तो नहीं आपको? मैं ठीक हूँ। दवाइयाँ?